और हाँ, ये वैसे तो मेरा बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि एज मेरा 3 सितंबर को बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे से पहले गिफ्ट आ गया मेरा। तो देरी नहीं करते, जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। हमारा डब्बा कुछ तो ऐसा है, अमेजोन से ऑर्डर किया है मैंने, तो अभी जरा इसको खोल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, डब्बा खोलने के बाद हमारा अंदर निकला है ये, कौन सा ये है, मैंने एक ड्रिफ्ट का ये पिरामिक्स वाला रूबिक्स क्यूब लिया है, जो पिरामिड वाला जो रूबिक्स क्यूब रहता है वो वाला है। एक और है इसके अंदर, और ये कौन सा है, ओ माई गॉड 4x4 रूबिक्स क्यूब, क्या ही क्यूब मिल गए मुझे, वाह। तो अब जल्दी से इनको देखते हैं कि तो दिख तो काफी अच्छे रहे। चलो मैं दोनों को जल्दी से डब्बे से बाहर निकालता हूँ। मैंने इनको डब्बे से बाहर निकाल लिया है और काफी शानदार दिख रहा है क्यूब, काफी स्मूथ भी है, मैं जरा आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड शुरू करते हैं, इस क्यूब से देख सकते हो कितना ज्यादा स्मूथ है, हर तरफ से घूम सकता है पिरामिड वाला, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर एंगल से घूम सकता है ये। और ये मैंने लिया है क्यूब, ले लो ड्रिफ्ट वाला, एज इसके डब्बे में लिखा है ड्रिफ्ट पिरामिक्स क्यूब ले लो का। अमेजोन पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैं मान सकता हूँ। और दूसरा है हमारा 4x4, इसकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, वैसे एक्चुअली ये मेरे 3x3 से ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको अपना 3x3 वाला दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये 3x3 है, ये भी काफ़ी स्मूथ है, लेकिन मैं सच को मुझे 4x4 ज़्यादा स्मूथ लग रहा है एज़ कम्पेयर टू 3x3। तो अगर आपको इसके बारे में शॉर्ट्स, इसके रिलेटेड पैटर्न्स देखने, शॉर्ट्स देखने हैं इसके बारे में भी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो फ्रेंड्स, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। पहले रूबिक्स क्यूब दिखा दी, तो एक सेकेंड हमारे रूबिक्स क्यूब। तो चलो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।